आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना जो स्ट्रिंग्स है यूकेलेले स्ट्रिंग्स वो कैसे चेंज करेंगे। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं बॉलीयुक। हालांकि मैं काफी लेजी हूं, मेरा जो गिटार जो यूकेलेले है उसका स्ट्रिंग्स मैं जब भी खराब हो जाते हैं, आउट ऑफ ट्यून हो जाता है, तब मैं नियर बाई स्टोर में जाता हूं और चेंज करवा लेता हूं। लेकिन आज इस सिचुएशन में आप अगर घर पे हैं, लॉकडाउन है, सारे दुकान बाजार सब बंद है, अब आप क्या करेंगे? अगर आपका स्ट्रिंग स्नैप हो जाता है या बेसुरा बज रहा है और आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग्स खरीदा हुआ है और सेट है लेकिन आपको पता नहीं है, तो इसके लिए मैं ये ट्यूटोरियल में डिस्क्राइब करूँगा। हालांकि मैं पूरा चारों स्ट्रिंग्स इसके नए हैं, मैंने ऑलरेडी चेंज कर लिया है, लेकिन इट विल बी अ लंबा वीडियो टू शो ऑल द स्ट्रिंग्स। मैं एक ही स्ट्रिंग चेंज करूँगा। ये जो यूकेलेले है, दिस अ काला मकाला यूकेलेले। आई विल गिव यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन चेक इट आउट। आई हैव टू यूकेलेलेस, दिस इज अ काला मकाला एंड दिस इज मोर रीसेंट परचेस, दिस इज वॉल्ट। इसके जो स्ट्रिंग्स हैं हालांकि नए हैं, तो ये काफ़ी एक डेढ़ साल हो गया था, इसका स्ट्रिंग्स मुझे चेंज करना था, तो मैंने खुद खरीद मतलब ऑनलाइन ऑर्डर किया और चेंज किया। इसका खासियत ये है कि मैंने ये जो है ये टेनर साइज़ है, इसको मैंने लो जी किया। लो जी इन द सेंस जो नॉर्मल यूकेलेले में होता है, जो फोर्थ स्ट्रिंग होता है वो हाई जी होता है। द हायर नोट इट प्लेज द हायर जी नोट। लो जी में आप ये जो जी स्ट्रिंग है ये लो नोट प्ले करता है। इफ यू आर प्लेइंग समथिंग लाइक अ लीड पार्ट, ये लोअर नोट मिलने से थोड़ा अच्छा लगता है कंपेयर टू द हाई जी यूकेलेले वेयर इफ यू आर प्लेइंग। बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे जाएंगे तो फिर हाई रेंज आ जाता है, तो एक एक्स्ट्रा लो रेंज मिलता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा स्ट्रिंग चेंज किया। हर यूकेलेले में लो जी नहीं भी लग सकता है आपको, आपने आपके पास जो यूकेलेले है उसका जो वेबसाइट है, मैंने क्या किया, मेरा जो काला मकाला यूकेलेले है इसका जो वेबसाइट है उसमें जाके मैंने पहले चेक किया कि वेदर आई एम एबल टू चेंज द हाई जी स्ट्रिंग टू लो जी स्ट्रिंग और नॉट। उसमें मेंशन किया हुआ था कि येस यू कैन डू इट, तो देन आई ऑर्डर्ड अ लोजी स्ट्रिंग, बिकॉज लोजी स्ट्रिंग मैंने बहुत ढूंढा तब, मतलब बिफोर द लॉकडाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन बिफोर द लॉकडाउन वेयर शॉप्स वर ओपन। आई वेंट टू द नियर बाय म्यूजिक शॉप पर उनके पास नहीं था, उनके पास जो स्ट्रिंग सेट था वो नॉर्मल यूकेलेले का जो स्ट्रिंग्स है वही था, तो मैंने लोजी बहुत ढूंढने के बाद मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया। It's a online like Amazon and Flipkart, वैसा ही है। So काफ़ी time लगा लेकिन मुझे मिल गया, and after I got the string I realized that I think this is not the same material like the other strings. Other strings are nile cut strings. ये nile cut strings मैंने purchase किया था जब मैं concert करने USA गया था, तो एक set मैंने वहाँ का स्टोर से खरीद लिया था, तो मेरे पास था। ऑल्सो दोज जो स्ट्रिंग सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें नाइल कट, इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव स्ट्रिंग्स, इसका चीपर वेरिएशन मिलता है इफ यू गो टू bajaa.com एंड चेक। आई थिंक सम चाइना मेड वर्जन भी मिलता है लोकल स्टोर्स में, मैंने देखा, और bajaa.com में मैंने देखा कि उनका एक वॉल्ट यूकेलेले स्ट्रिंग्स है जो कि ये वॉल्ट यूकेलेले में लगा हुआ है, दिस यूकेलेले में, एंड These are pretty decent also and quite cheaper. You can check them out and order online. अब आपको मैं लेके चलता हूँ मेरा पुराना वीडियो में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइड बाय साइड लो जी स्ट्रिंग एंड नाइल कट, न्यू नाइल कट अकीला का है, एंड ये जो है ये मैंने जब मेरा वॉल्ट यूकेलेले खरीदा था उसके साथ एक स्ट्रिंग वाइंडर और वाउंडर वॉट एवर इट्स कॉल्ड वो मिला था। अभी मैं स्ट्रिंग को लूज करने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि चार स्ट्रिंग मतलब बहुत टाइम लगता है उसमें, क्या थोड़ा पेशेंस का प्रॉब्लम हो जाता है कि यार लूज़ ही नहीं हो रहा है, तब ये वाइंडर काम में आता है। एक बार की से लूज़ हो जाए स्ट्रिंग तो आपको ऐसे ब्रिज जो है ब्रिज से भी ऐसे निकालना पड़ेगा स्ट्रिंग को, ये फंसा हुआ रहता है, नॉट रहता है। इस नॉट को गौर से देखिएगा निकालने के टाइम, क्योंकि वापस आपको ऐसे ही नॉट करके लगाना है स्ट्रिंग्स को,
सो नाउ इज द टाइम टू ऑब्जर्व कि कैसे नॉट डाला हुआ है ब्रिज में और कैसे इसको फंसाया हुआ है, और निकालने के टाइम अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक साथ सारे स्ट्रिंग्स को मत निकालिए, एक एक करके निकालिए और देखिए कि कैसे फंसाया हुआ है और वैसे फंसाइए। मेरा जो bajaa.com से मैंने जो परचेज किया था वॉल्ट यूकुलेले, उसके साथ एक क्लॉथ भी आया था, क्लीनिंग क्लॉथ। इसको आप पूरा जो फ्रेडबोर्ड है अच्छी तरीके से आप साफ़ कर लेंगे। अगर सारे स्ट्रिंग्स आपको निकालना नहीं है और जैसे कि मैंने एडवाइस किया था और एक एक करके करना है, तो आप एक एक करके भी फ्रेट को आप साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए मेरा फोर्थ स्ट्रिंग जैसे मार्क किया हुआ है, इस फोर्थ स्ट्रिंग, दिस इज़ अ नॉर्मल जी स्ट्रिंग, हाई जी स्ट्रिंग, इसके बदले में मैं लो जी स्ट्रिंग लगाऊंगा। सो लो जी स्ट्रिंग एक्चुअली लुक्ड लाइक दिस, इट वाज लाइक वाइट इन कलर, बट द टेक्सचर इसका डिफरेंट है, इट इज़ मोर लाइक अ गिटार स्ट्रिंग। इसको पहले ऐसे डालना है ब्रिज में, ब्रिज में डाल के ऐसे जैसे मैंने यू नो फांस लगाया वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप की को ऐसे घुमा के टाइट कीजिए और ये जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको कटर से काट देंगे। जब आपका स्ट्रिंग सेट पूरा बराबर लग गया तो ऐसे दिखेगा, इफ़ यू कैन सी प्रॉपरली, और हर एक स्ट्रिंग जो है कलर कोडेड होता है। इफ़ यू कैन सी देयर इज़ अ हिंट ऑफ रेड ब्लू, आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन कलर कोडेड होता है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए ये कलर कोड बनाया रहता है। एंड इसमें जो नॉट्स किया हुआ है वो एक्चुअली मैंने कॉपी किया एज इट इज़ जैसे इंस्ट्रूमेंट में था, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप सारे स्ट्रिंग्स एक साथ मत निकालिए, एक एक करके कीजिए ताकि आपको पता चले कि नॉट कैसे बनाना है। ये मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता ठीक तरीके से वीडियो पे, लेकिन आप अगर गौर से इसको ऑब्जर्व करेंगे कि नॉट कैसे बना हुआ है इस ब्रिज में, तो आपको खुद को पता चल जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन यू एक्सटेंड इट अप टू हियर, दिस इज़ द वे इट शुड बी। जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है ऑलरेडी आप कटर से काट सकते हैं, हार्डवेयर स्टोर में मिलता है कटर, मेरे पास तो था नहीं, मैंने मेरा एक दोस्त हैं जो गिटार बजाते हैं उनसे बोरो कर लिया था। लेकिन कभी कभी अगर आप गिटार और यूकुलेले में देखेंगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऐसे लगा हुआ रहता है, उसको आप ऐसे नॉट करके भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई चॉप्ड ऑफ द एक्स्ट्रा बिट ऑफ स्ट्रिंग। तो पूरा जब आपका यूकुलेले पूरा स्ट्रिंग लग जाएगा तो यू कैन सी नीट एंड क्लीन ऐसे दिखेगा। हालांकि जब मैंने ये लो जी स्ट्रिंग लगाया था तब वो सफ़ेद था, अब शायद इसका मटेरियल अलग है, इसका मटेरियल इज़ मोर लाइक अ गिटार स्ट्रिंग, तो इसीलिए थोड़ा काला हो गया। नॉर्मली द नाइल कट स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज वाइट, अनलाइक द फोर्थ स्ट्रिंग हियर। सो ये नायलॉन मटेरियल का है तो जंग नहीं लगता है, इसमें शायद थोड़ा रस्ट पकड़ लेता है, दो इट्स साउंडिंग प्रीटी गुड बट it has got discolored, so this is how it looks. आशा है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड को YouTube में, फॉलो कीजिए हमको Instagram और Facebook में, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।